नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के ऊपर आप देख रहे हैं गाड़ी किस तरीके से डैमेज हो जाती है, आपस में टकराती हैं। मैं आपको बता दूं कि पीछे की ओर एक गाड़ी और भी है। सबसे पहले मैं आपको जो गाड़ी दिखा रहा हूँ ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है, DL14CG7325 नंबर की ये सेल्टोस गाड़ी जो डैमेज हो गई है। आगे से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल ये डैमेज हुई है, हादसा हुआ कैसे है ये जानने का प्रयास करेंगे। नेशनल हाईवे पर लगातार हादसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। करनाल शहर के अंदर आप देख लीजिए नेशनल हाईवे पर, और ये सेल्टोस गाड़ी आप देख रहे हैं बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और हादसा कैसे हुआ ये फिलहाल हम जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। पहले आप दूसरी गाड़ी भी देख लीजिए, एक क्रेटा गाड़ी आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। कैसे हादसा हुआ ये पुलिस भी मौके पर आप देख सकते हैं मौजूद ज़रूर है, और तस्वीरें आप देख लीजिए गाड़ी की किस तरीके से बुरे तरीके से। नंबर HR13K0019 नंबर की ये क्रेटा गाड़ी जो कि बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ऊपर से आप गाड़ी देख लीजिए, ये गाड़ी है हरियाणा सरकार, सरकारी गाड़ी है, टेम्परेरी नंबर है, और ये भी आगे से देख लीजिए किस तरीके से डैमेज हुई हुई है। और हादसा कितनी गाड़ियों का हुआ ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा था काफ़ी सारी गाड़ियां आपस में टकराई हैं, लेकिन लगभग मौके पर 3 गाड़ियां ज़रूर दिखी हैं। हरियाणा सरकार की नई बलेरो गाड़ी है जो कि टेम्परेरी नंबर है, और ये भी फिलहाल डैमेज है। और इधर से ये क्रेटा गाड़ी है डैमेज, और पूरा हादसा क्या हुआ ये जानने का प्रयास करेंगे। तीनों आपस में नहीं लगी जी, ओवरटेक ऐसे ओवरटेक करते समय व्हीकल कुछ ड्राइव डिवाइडर में लगा, और ये कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते, बाकी जान की कोई हानि नहीं है, गाड़ियों का लूज। तो सर ये बलेरो गाड़ी सरकारी गाड़ी है भी? नहीं, ये सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट में लगवाई, किसी प्राइवेट आदमी की गाड़ी है। प्राइवेट आदमी की गाड़ी है। तो सर ये कहाँ तीनों आपस में कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते? नहीं, जा कहाँ रहे थे सर? हमने क्या पता जी होते हैं बताएंगे, अपने चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो फिलहाल मौके पर जो पुलिस है वो आप देख जी नहीं कराना चाहते, कहते हम अपने भूल जाते। तो अभी फिलहाल ये जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है कि जो है ये गाड़ियां नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई हैं, लेकिन पूरी गाड़ियां जो है बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये क्रेटा गाड़ी है, लेकिन फिलहाल जो इस गाड़ी के अंदर सवार थे जरा उनसे बात कर लेंगे। देख सकते हैं गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं, और देख रहे हैं कि गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी किस तरीके से जो अंदर के वो टूट चुके हैं। लेकिन ये हादसा पूरा कैसे हुआ ये हम जानने की प्रयास जरूर करना चाहते हैं जो इस गाड़ी में सवार थे। एक व्यक्ति की शर्ट के ऊपर जो है बता दें ब्लड के निशान भी हैं मौके पर। मैं आपको बता दूं एक व्यक्ति के ये शर्ट के ऊपर ब्लड के निशान ज़रूर हैं, लेकिन कैसे ये हादसा हुआ ये हम ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल मौके पर आप देख लीजिए काफ़ी सारे लोग ज़रूर हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो मौके पर दी गई है। हालांकि मौके पर क्रेन भी जो है फिलहाल बुला ली गई है गाड़ी को यहाँ से टोचन करने के लिए, लेकिन ये किस तरीके से ये हादसा हुआ है ये भी हम जरूर जानने का प्रयास। आप चला रहे थे? एक्सक्यूज़ मी, आप चला रहे थे? तो यहाँ पर फिलहाल बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी बात जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, कैसे किसकी क्या गलती थी ये तो फिलहाल अभी तक पुलिस से भी हमने जानने का प्रयास किया, पुलिस की तरफ से कुछ भी जानकारी साफ जो है वो नहीं हुई है। किसकी गलती थी ये तो अब मौके पर हम जानने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, और बता दें कि जानने का प्रयास हम कर रहे थे लेकिन जो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। हम प्रयास कर रहे थे लेकिन जानकारी क्यों नहीं दी गई, अब फिलहाल ये तो सवाल खड़े हैं। लेकिन टेम्परेरी नंबर की ये गाड़ी आप देख लीजिए, ये गाड़ी का है टेम्परेरी नंबर, और गाड़ी पर लिखा है हरियाणा सरकार। जी हाँ, हरियाणा सरकार की गाड़ी, और ये इधर से भी आप देख लीजिए सामने हरियाणा सरकार जो है वो फिलहाल लिखा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अच्छे से एक बार, और लेकिन यहाँ पर जानकारी ज़रूर देनी चाहिए थी ताकि लोगों को भी कम से कम पता ज़रूर लगता नेशनल हाईवे पर कितने हादसे होते हैं। और एयरबैग तक जो है वो खुल चुके हैं, देख लीजिए ये सरकारी गाड़ी के अंदर से, यानी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी तेज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है ये भाई साहब, इनके भी भाई साहब आपको चोट आई हुई है? चोट कैसे हुआ भाई साहब, हादसा क्या नाम है आपका? किया गाड़ी ने पीछे से गाड़ी में टक्कर मार दी, गाड़ी जो सामने है हाँ इस साइड से,
गाड़ी अनबैलेंस होकर वहाँ टकरा गया। आपकी गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी। आप कहाँ से हैं? आप सोनीपत से। सोनीपत से हैं। तो पहले आपको किया गाड़ी ने टक्कर मारी? हाँ, किया गाड़ी ने राइट साइड रियर डोर पे टक्कर हिट किया। ओवरटेक करते हुए मैं सीधा आ रहा था, उन्होंने ओवरटेक किया, उन्होंने मेरी गाड़ी में हिट किया। पीछे से आ रहा था वो भी? हाँ, उन्होंने हिट किया गाड़ी में, मेरी गाड़ी अनबैलेंस होकर वहाँ सामने वो जो डिवाइडर है ना, हाँ जी, हाँ वो रेलिंग है, उस रेलिंग में जा टकराई, वहाँ से यहाँ आगे रुक गई फिर। अच्छा, तो आपको तो काफी चोट आई है? हाँ, सिर में लगी हुई है। सिर में चोट आई हुई है। आप अकेले थे? हाँ, अकेला ही था। अकेले ही थे। हाँ। और ये सरकारी गाड़ी का कैसे टक्कर हुई है? ये मुझे नहीं पता कैसे हुई, मुझे तो अपना अंदर एयर बैग खुल गए थे गाड़ी के। मुझे मौके पे एक्सीडेंट? हाँ, मौके पे ही हुआ, साथ में ही एक्सीडेंट जो है फिलहाल हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें। एक गाड़ी को मौके पर टोचन जो है वो कर लिया गया है, ये देख लीजिए। वो गाड़ी किया गाड़ी मौके से जा रही है, फ्लाईओवर के ऊपर हादसा हुआ है, बिल्कुल करनाल के नज़दीक करण लेक के पास ही ये हादसा हुआ है। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और उनसे बचने का एक ही तरीका है कि अगर गाड़ी धीरे चलाई जाए या फिर गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव ना की जाए तो हादसों से बचा जा सकता है। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।